नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और अभी पिछले 2-3 दिन से दिल्ली और NCR में स्मोक की प्रॉब्लम भी है, जो कहा जाता है कि जिस प्रकृति ने हमें बनाया है, या हम उसके विरुद्ध यदि कुछ करते हैं तो प्रकृति हमें वापस से वही गिव बैक करती है। तो आज हमने जो प्रकृति को दिया, प्रकृति वही हमें वापस से दे रही है। अब सांस लेना तक मुश्किल है और हम डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस स्मोक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसे टाइम में सभी को चाहिए कि तुलसा, अदरक, हल्दी का काफ़ी सेवन करें, और यदि जब भी पॉसिबल हो सके घर के अंदर एक प्लेस पर बैठ के अनुलोम विलोम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह सभी जातकों के लिए अच्छा रहा होगा। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के स्वामी है शनि, शुभ रत्न है नीलम, शुभ रुद्राक्ष है सातमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह, ये जो सप्ताह है, आने वाला सप्ताह आपके लिए उत्तम साबित होगा। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे अवसर मिलेंगे। आमदनी बढ़ने से धन लाभ के भी आपके योग बनते हैं। सप्ताह पे आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। प्रॉपर्टी के मामलों में फायदा होने की उम्मीद है। करियर के हिसाब से सप्ताह नॉर्मल रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। जीवन साथी से रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक जीवन में अमन चैन बढ़ेगा। घर में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है। हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। रोग की वजह से थोड़ा अनावश्यक खर्चा भी बढ़ सकता है। चोट लगने की आशंका है, इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी बरतने की भी जरूरत है। तो देखा जाए सप्ताह एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते से कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए हनुमान जी को मंगलवार को लड्डू का भोग लगाएं, शनि के वार के दिन छायादान करें, छोटी छोटी चांदी की गेंदें खरीदें और अपने हैंडबैग और पास में हमेशा अपने साथ रखें। मंगल और शनिवार के दिन लकड़ी और चमड़े की वस्तुओं को ना खरीदें, ना ही किसी को दें। मंगल और शनिवार को ना तो दाढ़ी बढ़ाएं और ना ही बाल कटाएं। नौकरों, वृद्धों और गरीबों को आप सम्मान करें। जब भी हो सके बंदरों को फीड करें। बेघर लोगों को जूते का दान करें। शाकाहारी बनना है, अल्कोहल मांस मदिरा से दूर रहना है, झूठ बोलने से परहेज करना है, हरे गहरे कलर के कपड़ों पर आपको फोकस करना है। पीपल के पेड़ में तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं। कुष्ठ रोगियों की सेवा करें। शाम को खाने के पश्चात कुत्ते की रोटी दें और सुबह के शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करें। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आने वाला सप्ताह आपके लिए एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारे उपाय यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। कुछ चीज़ें आपको जीवन में हमेशा के लिए गांठ की तरह से बांध लेना है। माता पिता, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, जो ज़रूरतमंद है उसकी आपकी सेवा करना, अपनी इनकम से कुछ पोर्शन लोगों के भले में, दान दक्षिणा में, मंदिरों में दान के लिए, जो अनाथालय हैं, ऑर्फनेजेज हैं, उनमें दान करना, ये यदि आप रेगुलरली और सबके प्रति आप समर्पित भाव देना, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव ना रखना, यदि ये कुछ उपाय आप जीवन भर के लिए अपने साथ बांध लेते हैं तो एक आने वाला सप्ताह ही नहीं, सारे सप्ताह और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। इन्हीं आशा के साथ कि आने वाला सप्ताह सभी जातकों के लिए शुभकारी अच्छा रहे, आप अपने सेहत का जरूर ध्यान रखें, बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि तुलसा का हमेशा सेवन करना और साथ में हल्दी के दूध का पीना, साथ में अदरक का सेवन करना, ये प्लानेट के जो प्रतिकूल प्लानेट हैं उनकी दशाओं को, उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, मैलेफिक इम्पैक्ट हैं, उनको भी दूर करने में सहायक होंगे, साथ ही साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होंगे। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव।